प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम मार्था है और मैं साइट एंड साउंड मिनिस्ट्री की प्रेयर वॉरियर हूँ और आज हम छठे कलमे कलमा तमाम हुआ पर खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे। हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाकलामे से पढ़ेंगे योहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से लेकर 30 आयत तक। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारे मसीहा ने हमारी खातिर किस तरह इस प्यास को, इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और किस तरह खुदावंद ने सलीब पर इस प्यास को हमारी खातिर बर्दाश्त किया और इस नजात के काम को पूरा किया। सो मेरे अजीजों, मैं एक तलबा का वाकया आपके साथ शेयर करूंगी। वो बताती है कि मैंने इस चीज़ को जानने के लिए कि हमारे मसीहा ने किस कदर हमारे लिए इन तकलीफ़ों को, इन दुखों को बर्दाश्त किया, उसने कहा कि मैंने एक सिरके की बोतल ली और मैंने उसमें से कुछ सिरका पिया और जब मैंने वो सिरका पिया तो मेरे अंदर आग सी लग गई और मेरी बर्दाश्त से बाहर था और उसने कहा कि मुझे 6 माह तक इलाज करवाना पड़ा। सो मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावन इस तकलीफ को, इस अजियत को सिर्फ हमारी खातिर, हमारी निजात की खातिर बर्दाश्त किया, क्योंकि खुदावन ने बर्दाश्त करने के बाद कहा कि तमाम हुआ, क्योंकि हमारा मसीहा लेन देन करने नहीं आया था, हमारा मसीहा हमारी निजात का काम करने आया था और हमारे मसीहा ने हमारी निजात का काम किया, सलीब पर उन चीज़ों को बर्दाश्त किया, उन दुखों को हमारी खातिर बर्दाश्त किया और कहा तमाम हुआ। सो मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावन इसलिए आया ताकि अपनी जान दे, दुनिया को बदी नापाकी से बचाए, नापाकी को ख़त्म करे जिससे खुदा को नफरत है।